नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नए दामों के बाद यूपी के जिलों में गैस के रेट बढ़ गए हैं। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपये भारी बढ़ोतरी की गई है। वहीं बढ़ती महंगाई पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। देखिए मेवरी, जिस तरीके से कल एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है, इससे होली के पहले महंगाई का एक बड़ा बम फूट गया है। मैं आपको बता दें कि 6 जुलाई 2022 के बाद से ये पहली बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है। कुल 50 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर में हुई है और 350 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। अगर बात करें जुलाई के बाद से अब तक, तो घरेलू गैस के दाम पहली बार बढ़े हैं, लेकिन कमर्शियल के दाम बढ़ते ही रहे हैं और इस बार 350 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे महंगाई का एक बड़ा बम जो है वो होली के पहले फूट गया है। और जिस तरीके से होली का त्यौहार है और इस त्यौहार को भारत में धूमधाम तरीके से मनाया जाता है और तरह तरह के पकवान भी बढ़ते हैं, तो किचन का जो जायका है इस बार वो बिगड़ गया है। जिस प्रकार से देखा जाए वो किचन के जायके को फीके करने की बात हो रही है इस बार मयूरी। और जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं सारी ये जो दाम है गैस सिलेंडर के, इससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विवेक, ये जो कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे, ये किन इलाकों में होगा, कितनी संख्या में कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं? विवेक, आपको आवाज आ रही है? फोन कट गया। बता दें आपको, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। लगातार विपक्षी दल महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। महंगाई पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बता दें बढ़ते दामों पर कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है और बढ़ते महंगाई पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बढ़ते दामों पर कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा। एक बार फिर से संवाददाता विवेक का रुख करेंगे। विवेक, जो कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, ये किन इलाकों में प्रदर्शन होगा, कितनी संख्या में कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कल ही जो है वो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे, घरेलू से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे और कांग्रेस ने हर प्रदेश में यह प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी और लगातार जो है महंगाई के लिए केंद्र सरकार पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां धावा बोल रही है। इसके पहले बजट आया था, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट लाया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट पेश कर चुकी है और सदन में बजट पर चर्चा भी हो रही है, जहां एक तरफ सरकार महंगाई और रोजगार निजात से निजात पाने के लिए बात कर रही है, तरह तरह की स्कीम योजनाएं की बात कर रही है, वही लगातार जो है वो इस तरह की बढ़ते घरेलू गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों से आम जनता को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे केंद्र सरकार की योजना के तहत जिस प्रकार से गैस सिलेंडर बांटे गए थे, उज्ज्वला योजना की तरह की माताओं और बहनों को चूल्हे से निजात दिलाया जाएगा, धुएं से निजात दिलाया जाएगा, लेकिन कहीं देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये गैस सिलेंडर अब किचन के किसी एक कोने में रख दिए गए हैं और फिर से जो है पुरानी परंपरा के हिसाब से, यानी चूल्हे पे माताएं बहने खाना बनाने को मजबूर है। इन बढ़ते सिलेंडर गैस सिलेंडर के दामों के बावजूद और महंगाई जो है वो बढ़ रही है और आम आदमी के जेब पर इस पर काफी असर भी हो रहा है। होली के त्यौहार की बात की जाए तो होली के त्यौहार काफी प्रमुखता से मनाया जाता है भारत में और इस दौरान तरह तरह के पकवान भी घर में बनाए जाते हैं, इसके साथ हर्षोल्लास से होली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में
जब घरेलू गैस 50 रुपए महंगा हो जाए, कमर्शियल गैस 350 रुपए महंगा हो जाए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के जेब पे जो है इसका भार आता है और उसको इन चीजों के लिए अब अतिरिक्त पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, जो कि एक चिंता का विषय भी है। इसको लेकर कांग्रेस जो है एक देश भर में अपना प्रदर्शन कर रही है। कल देहरादून में भी प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इसका विरोध और प्रदर्शन महंगाई को लेकर कर रहे हैं। मयूरी, विवेक, भारी संख्या में कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, तो प्रशासन भी अपनी तरीके से पूरी तरह की चुस्त है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी इस प्रदर्शन के दौरान ना होना पाए। लोग आए, शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करें, अपनी बात को जाहिर करें, ये कोशिश होगी प्रशासन की किसी प्रकार की वहां पे अप्रिय घटना या अनहोनी ना हो जाए और प्रशासन अपनी तरह से पूरी तरह से चुस्त और मुस्तैद है। देखा जाए तो लगातार जो है केंद्र सरकार जो है वो महंगाई पे कंट्रोल की बात करती है और रोजगार की बात करती है, लेकिन जिस प्रकार से तेल कंपनियों के दबाव में ये चीजें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि तेल कंपनियां लगातार कई समय से ये मांग उठा रही थी कि वो घाटे में चल रही है, इसलिए एलपीजी के गैस सिलेंडर में वृद्धि करना जरूरी है। उसको देखते हुए एलपीजी के सिलेंडरों में, घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपए की वृद्धि की गई है और विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बना रहा है। आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो विपक्ष इस महंगाई के मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाना चाहता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, सभी इस मुद्दे को लेकर अपना 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 प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता के बीच जाके अपनी बातों को भी रख रहे हैं कि किस प्रकार से यह सरकार महंगाई पे बेलगाम हो रही है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। माफिया अतीक अहमद का मेरठ में जमीनों में निवेश का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। बसपा सरकार में अतीक ने मेरठ जागृति बिहार में अपने गुर्गों के जरिए जमीनों में निवेश कर मोटी कमाई की है। प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की निर्मम हत्या के मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आने पर उनके पुराने चिट्ठे भी खुल रहे हैं। इसमें मेरठ में जमीनों की खरीद फरोख्त में भी अतीक का नाम जुड़ा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मेरठ से राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, अतीक अहमद का मेरठ में जमीनों में निवेश का क्या कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है? उमेश पाल जो गवाह थे, उमेश पाल के हत्याकांड के बाद में जो अतीक है उनका नाम सामने आया है। निर्मम उनकी हत्या कर दी गई थी और इसमें मेरठ कनेक्शन जो अतीक अहमद का, तक ये सामने आया, माफिया रह चुके हैं और इसमें कनेक्शन ये सामने आया आवास विकास की। मेरठ की विभिन्न जगहों पर उन्होंने जमीन कब्जाई थी, उस समय वो सांसद थे मायावती सरकार में, और जब उन्होंने मनचाही रकम से बिल्डरों को जमीन बेच दी थी, उस पर प्लाट काट दिए गए, उस पर बिल्डिंगें तैयार कर दी गई। इस मामले की अब योगी सरकार में छानबीन हो रही है और शिकंजा कसना अतीक अहमद पर शुरू हो गया है, क्योंकि उमेश पाल जो गवाह थे राजूपाल हत्याकांड के मामले में, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, उसी को लेकर अब योगी सरकार में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि मेरठ में अतीक माफिया अतीक अहमद के कॉलोनी है, वहां पर उनकी बहन रहती है, तो अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए माफिया अतीक अहमद ने यहाँ पर जमीन कब्जाना शुरू की थी, जो आवास विकास की थी, और उन्हें मनचाहे दामों पर यहाँ पर बिल्डरों को बेच दिया था। फिलहाल योगी सरकार में शिकंजा पूरी तरीके से कसना शुरू हो गया है अतीक अहमद पर। और बताया ये भी जा रहा है कि जब ये अपराध कर देते थे अतीक अहमद और उसके दोनों बेटे, तो यहाँ पर मेरठ में वो शरण ले लेते थे, थाना नौचंदी क्षेत्र में उनका डॉक्टर जीजा है जो अखलाक है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में उन्हें शरण दे दी जाती थी, वो अपराध करने के बाद में यहाँ पर काफी समय तक रुक जाया करते थे। जी राजन, मेरठ में अतीक अहमद के गुर्गों के प्रति क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जब अतीक अहमद का नाम सामने आया है तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से अपनी अपनी टीमें लगा दी गई है और मामले की पूरे तरीके से जांच की जा रही है, तो बहुत जल्द कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि योगी की सरकार का जो हाथ है वो अतीक अहमद की गर्दन पर पहुंचने वाला है और ये अतीक अहमद बिल्कुल धराशायी कर दिया जाएगा। जितनी भी इनकी संपत्ति है उनकी भी जांच हो रही है और पूरे तरीके से पुलिस और प्रशासन और योगी सरकार में सतर्क है और हर तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए।
अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।